ओके गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को 15 अगस्त फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वीके एडिट एक्स ने दिया है। अगर आप लोग उसे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर उसका लिंक दे दूंगा। एंड गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मस्त होने वाला है। एंड ऐसा एडिटिंग अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन के मदद से करना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो। बहुत ही इजी स्टेप से मैं आप लोगों को सिखाया हूँ, और भी ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के मदद से, ठीक है। ये जो ट्रिक है बिल्कुल न्यू ट्रिक है गाइस, अगर इस वीडियो को मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। एंड गाइस, वीडियो को फुल्ली वॉच करना, तभी आप लोग इस तरीके की एडिटिंग कर पाओगे। वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। सो गाइस, चलिए चेक कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर नॉर्मल फोटो को इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को फेस को स्मूथ करना है। इसके लिए आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, और यहाँ से लाइब्रेरी को ओपन करके इस वाले जो टूल्स है इसको सिलेक्ट करके सेटिंग को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ गाइस। ओपन करने के बाद आप लोगों को सेटिंग कुछ इस तरीके से रखना है, एंड गाइस जूम करके फेस को स्मूथ कर लेना है, ठीक है। सो गाइस, मैं फेस को फटाफट से स्मूथ कर लेता हूँ, वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। गाइस, मैं फेस को स्मूथ कर लिया, आप लोग देख सकते हो। स्मूथ करने के बाद आप लोगों को इस फोटो को सेव करके लाइट मैप के अंदर ओपन कर लेना है, ठीक है। सो गाइस, चलिए लाइट मैप के अंदर। लाइट मैप के अंदर फोटो ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को रिटचिंग कर लेना है इस फोटो को, ठीक है। गाइस, मैं रिटचिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले फोटो का जो लाइट है उसे एडजस्ट करना है। उसके लिए गाइस मैं ऑटो टूल्स का यूज़ करूँगा, एंड गाइस यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर को हाई कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, और यहाँ से मिक्स वाले टूल। गाइस, यहाँ पर आप लोगों को रिटचिंग कर लेना है कलर को, यानी गाइस सबसे पहले ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लेमुलेशन को हाई कर देना है, फेस गोरा हो जाएगा एंड चमकने लगेगा, ठीक है। और उसके येलो कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को फुल्ली माइनस की तरफ कर दीजिए, एंड ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ एंड सेचुरेशन को हाई। और उसके बाद गाइस आप लोगों को ब्लू कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई, एंड डन पर टैप करके यहाँ से क्लैरिटी को हाई कर देना है आप लोगों को, ठीक है। हाई करने के बाद जो फोटो है चमकने लगेगा, एंड आप लोग देख सकते हो कितने मस्त तरीके से रिटचिंग हो चुका है। अब हम लोग इसका बैकग्राउंड को इरेज करेंगे एंड बैकग्राउंड के अंदर लगाएंगे। सो गाइस, चलिए फिर से ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। तो मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूँ। ओके गाइस, इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लीजिए मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से। डाउनलोड करने के बाद ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जिस फोटो को रिटचिंग किया लाइट मैप के अंदर उसे इनपुट कर लेना है, ठीक है। इनपुट करने के लिए आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है, एंड प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर इनपुट वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनपुट इमेज, इसके अंदर प्रेस करने के बाद जो फोटो अभी अभी लाइट मैप के अंदर सेव किया उसको इनपुट कर लेना है, ठीक है। इनपुट करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एंड गाइस, राइट क्लिक करके आप लोगों को ब्रश वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है, एंड हार्ड इरेजर ब्रश को सिलेक्ट करके सेटिंग को ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग को कुछ इस तरीके से रख के कुछ इस तरीके से आप लोगों को बैकग्राउंड को काट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी धीरे धीरे काट कीजिएगा, नहीं तो आपका जो फोटो है खराब हो सकता है। मैं धीरे धीरे काट कर लेता हूँ, एंड वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा टाइम देकर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। गाइस, यहाँ पर मैं कम्प्लीटली बैकग्राउंड को काट कर लिया। काट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इजीली मैच हो चुका है। अब हम लोग पीएनजी को ऐड करेंगे। पीएनजी को ऐड करने के लिए आप लोगों को फिर से इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को इनपुट इमेज पर टैप करना है, और यहाँ से गाइस फ्लैग का जो पीएनजी है हमारा इंडियन फ्लैग, इसको आप लोगों को इनपुट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इनपुट करने के बाद आप लोगों को राइट क्लिक करना है। करने के बाद गाइस आप लोगों को लेयर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, एंड गाइस यहां से ये जो लेयर है इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देना है, एंड दूसरे तरह कुछ इस तरीके से लगा लेना है उल्टा करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है गाइस। आप लोग भी कुछ इस तरीके से लगा लीजिएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ से मैं
लगा लेता हूँ यार। उसके बाद मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा और जो दूसरा यहाँ पर नीचे का जो फ्लैग है इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा ट्रांसफॉर्म पर जाकर, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं छोटा कर लेता हूँ। एंड छोटा करने के बाद गाइस आप लोगों को राइट क्लिक करना है एंड जो हैन है इसके अंदर कुछ अच्छे तरीके से फिट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना, हार्ड इरेजर ब्रश को सिलेक्ट कीजिए एंड कुछ इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप लोग इरेज कर पाओगे, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पर मैं लेयर को चेंज करता हूँ एंड दूसरा जो फ्लैग है इसको भी मैं कुछ इस तरीके से लगा लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट पीएनजी को लगाना है, यानी 15 अगस्त का जो टेक्स्ट पीएनजी है उसे लगाना है। तो उसके लिए फिर से आप लोगों को जाना है और जाने के बाद गाइस सब लोगों को यहाँ पर एक टेक्स्ट पीएनजी लगा लेना है ऊपर के साइड, ठीक है। सो यहाँ पर मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, जितने भी मैं पीएनजी एंड बैकग्राउंड यूज़ किया हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक पर है, आप लोग जाकर बहुत ही इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जो पीएनजी है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं जो 15 अगस्त का टेक्स्ट है इसे मैं लगा लेता हूँ। लगाने के बाद राइट क्लिक एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, नीचे के साइड जो यहाँ पर रंग है इसको लगा लेना है, ठीक है। फिर से ऐड वाले ऑप्शन और यहाँ से पीएनजी को मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर व्हाट्सएप एंड जो पीएनजी है इसको मैं लगा लेता हूँ नीचे के साइड, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को राइट क्लिक करना है, करने के बाद जो फोटो है आपका एडिटिंग हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना, चैनल बने तो सब्सक्राइब करना गाइस, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। ये जो ट्रिक था कैसा था नीचे कमेंट करके बताओ जरूर।